रहे थे कासम भाई। क्यों? आप हमारा लीडर हैं। देखो मैं कोई लीडर नहीं हूँ, और तुम लोग क्यों मुझे लीडर बनाने पे तुले हुए हो? आशा के गुंडों से कासम भाई आप ही हमें बचा सकते हैं। गुंडा नहीं हूँ, समझ आई तुम्हें? आज के बाद मुझसे ऐसे बात की ना हशर कर दूंगा तुम्हारा। पकड़ो अपने पैसे। हाँ जी लंगड़ियाल साहब, क्या प्लान है? चौधरी साहब, अगले हफ्ते का प्रोग्राम बना है चौधरी साहब, परसों आपको रूट का नक्शा भी मिल जाएगा। मुखबरी का तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, नीचे से लेकर ऊपर तक सबका घर पूरा कर रखा है मैंने। हाँ, इस तरह का काम अंडरस्टैंडिंग के बगैर तो हो ही नहीं सकता। मेरी डील वही होगी, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ हाँ, 50% चौधरी साहब, बात डन। जितना बड़ा रिस्क परसेंटेज भी उस हिसाब से, रिस्क मेरा ज्यादा है। अगर 60-40 हो तो फिर बात बनती है। अरे चौधरी साहब, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो डन। गुड, आप मुझे रूट प्लान दें। ठीक है चौधरी साहब। अल्लाह हाफिज। हाँ चौधरी साहब, वो मैंने पता कर लिया है, रहीम दीन का एक घर दामाद है, करता कराता वो कुछ नहीं है, सारा दिन वेला निकम्मा घर में पड़ा रहता है। ये काम का बंदा लगता है, इसे बुलाओ। मेरा भाई कैसा है तू? खैरियत तो है ना? खैरियत है, मुझे क्या होना है? यार तुम कुछ थके थके से लग रहे हो, कहीं आशिक के गुंडों से कोई फटाफटा तो नहीं हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं आसिम? यार कभी मेरा भाई टाइम शेम निकाल यार, वो तबिंदा के कोठे में चले, उसे मिले, उससे असल में बड़ी मिन्नतें कर रही थी, बहुत इसरार कर रही थी कि किसी दिन कासिम को लेके आओ, कासिम को लेके आओ। यार मैं वादा कर चुका हूँ, और तू भाई के वादे का पास रखेगा ना? हैं, चलेगा ना? तबिंदा के कोठे पे गए थे आप? हाँ, वैसे तो एक दो बार तू भी हो ही आया है। असल में ना उसे कहीं से पता चल गया है कि तुम मेरे साले हो, तो पता है ऐसी लड़कियों को तुम जैसे पहलवानों की जरूरत होती है। पहलवान नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं पहलवान। ये क्या कर रहे हो? आइंदा मेरे बारे में सोच समझ कर बात करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है। समझ आई तुम्हें? शराफत से गिरेबान छोड़ मेरा, वरना चीख चीख के सास ससुर तो क्या पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगा, और कहूंगा कि बाहर के साथ साथ घर में भी गुंडागर्दी शुरू कर दी है। जा कहां रहा हूं, सत्यानाश कपड़ों का कर दिया। आगे ला रखी, इतनी देर क्यों लगा दी तूने? बेला बीबी, मैं इसी मौके की तलाश में थी कि बाहर कोई ना हो, फिर बाहर कोई नहीं है, मौका अच्छा है, तो आप ऐसा करें चलकर अस्तबल में ना एक नज़र उस लड़के को देख लें, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, जल्दी करें।
पहले बेबी जल्दी करे। जल्दी करे ना। बीबी लगता है कोई आ रहा है, चले चले बिल्ला बीबी चले, लगता है कोई आ रहा है, चले। मुझे अबा खैर तो है? खैर की खबर तो तेरी तरह से पुत्र कम कम ही सुनाई देती है। ओए अब मैंने क्या कर दिया है? स्कूल के हवाले से मैंने तुम्हारी गारंटी दी है। स्कूल गारंटी? ओए अबा बुझारते ना डाला कर, सीधी सीधी बात करके मसला क्या है? जो स्कूल तेरी वजह से नहीं चल सका, तेरी बदमाशी और लफंगा गिरी की वजह से ना, वो अब चलेगा। गामे का बेटा एहसान उसे चलाएगा भी और बनाएगा भी, और मैंने गारंटी दी कि अब तू कोई गलत हरकत नहीं करेगा। अच्छा, वो ठीक है अब, और तू रह जा इन स्कूलों स्कूलों के चक्कर में, वैसे भी सियासत से तो तू रिटायर हो ही चुका है। अब एक काम क्यों नहीं करता, और तू भी इस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे, टाइम शैम चंगा गुजर जाएगा तेरा भी। अच्छा बेटा मेहरबानी तेरी, रमेश सिंह जो है ना शान के साथ स्कूल पर काम करेगा, उसे फारग कर दे। नहीं नहीं अबा, जरूरत है मुझे रमेश सिंह की, और डंगरों का राखा है वो, रात को कौन करेगा उनकी निगरानी। 15-20 दिन में फारग कर दूंगा उसे मैं। और दिन को वो गामे के छोकरे के साथ स्कूल पर काम करे हैं, और रात को तेरे चोरी के डंगरों की हिफाजत करे, वो घर का बजाय का घर वाला है। और ना ये तेरा मसला है ना मेरा। कह दिया मैंने जो कहना था, जा रहा हूं मैं इससे पहले कि तू फिर अपनी नसीहतें शुरू कर दे। जी मां प्यो ने तो नसीहत ही कर, आ
वाकई शेख साहब, तो और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं जी नहीं शेख साहब, मैं तो वैसे ही कह रहा था, मुबारक ऐसा आदमी लगता तो नहीं है। तो और क्या, वो किसी तकरीब में जाए या ना जाए, लेकिन अगले दिन उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी होती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ा आसान है, दो तीन फोटोग्राफर उसकी पे रोल पर है। कवरेज के लिए फोटोग्राफरों ने तो फंक्शंस पर जाना होता है, अब वो मुअज्जज़ीन शहर के साथ उसकी तस्वीरें भी छाप देते हैं। अच्छा, मुबारक शाही तो करता है पब्लिसिटी के लिए। लो जी, मैं भी ये सोचता था कि ये मुबारक हर फंक्शन में पहुंच कैसे जाता है, अब समझ आई है मुझे। वो चौधरी साहब, आपका क्या प्रोग्राम है? इस दफा इलेक्शन आप लड़ेंगे या बड़े चौधरी साहब? नहीं जी नहीं, बड़े चौधरी साहब की उम्र अब अल्लाह अल्लाह करने की है, सियासत अब मैंने करनी है। बस पार्टी से टिकट आपने मुझे लेकर देना है। चौधरी साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आपको तो पता है पार्टी खिदमत करने वालों को तरजीह देती है। इसकी आप फिक्र ना करें, और जिस किस्म की खिदमत होगी बंदा हाजिर है जनाब। चौधरी साहब देखे ना, आप पार्टी पर या इलेक्शन पर जितने नोट खर्च करेंगे उससे कई गुना ज्यादा वसूल भी कर लेंगे, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक जी। चौधरी साहब, किसी ने क्या खूब कहा है, हमारे मुल्क में दौलत से हुकूमत और फिर हुकूमत से दौलत हासिल की जाती है। नवी शकील साहब, बहुत ही जबरदस्त बात की आपने। बस दुआ करें कि अब मैं भी हुकूमत में आ जाऊं। आपके लिए दुआ ही नहीं, दवा भी करेंगे।